तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू आवर चैनल अजब गजब इंग्लिश। मैं आपका दोस्त और मेंटर पीपी भाई आप सभी का स्वागत करता हूं एक अमेजिंग से चैनल अजब गजब इंग्लिश पे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हम क्लास टेंथ के जो भी बोर्ड एग्जाम में आने वाले साइंस के चैप्टर हैं उनको पूरा करने की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम सभी चैनल को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसी बीच हमने दो चैप्टर केमिस्ट्री के और एक चैप्टर फिजिक्स का ख़त्म कर दिया है और उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जो भी लोग नए आए हैं हमारे चैनल पे, उन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो कृपया उसे जाके देख लें, उससे आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। आज हम फिजिक्स का दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, और इसका आज हमारे पास है पार्ट वन। इसमें हम बहुत कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कोई एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आप सभी लोग इसी समय 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए, अगर आप सभी के पास इलेक्ट्रिसिटी ना हो, अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास ना होती तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती, ज़रा इमेजिन कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ही बकवास होती। क्यों? क्योंकि हमारे पास, देखिए, इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा है और पंखे कैसे चलते हैं, पंखे अब चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो हम अपने हाथ से पंखा चलाते और उससे हवा लेते, जिससे कि डेफिनेटली हमारे हाथ थक जाते और या फिर हम जाके पेड़ पौधों को ढूंढते। पेड़ पौधे हालांकि एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि टेक्नोलॉजी ने हमारी कुछ चीज़ें सही कर दी हैं। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही कुछ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं, तो बस थोड़ा सा बेसिक से जानकारी हम इस चैप्टर में लेने वाले हैं। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। तो हमारा चैप्टर का पहला टॉपिक जो है वो है चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज जो होता है, इट इज वेरी स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम। इट कैन बी आइदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव प्रोटॉन। आप सभी को आज तक ये तो पता ही होगा कि चार्ज हमारे पास दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। कौन सा? एक तो होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। ये दो प्रकार का हमारे पास चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर होता है और वहीं नेगेटिव चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। यही है चार्ज की परिभाषा। और जो चार्ज की यूनिट होती है उसे कहते हैं कूलम, जिसे हम डिनोट या फिर रिप्रेजेंट करते हैं सी से। इसका सिंबल है सी और इसकी एसआई यूनिट है कूलम। ये आपने याद कर लेना है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें याद ही करके रखना पड़ता है। और जो हमारा अगला पॉइंट है वो है एक कूलम, वन कूलम नेट चार्ज इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेंड इन नियरली इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन? 6×10⁻¹⁸। इतने इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज मिलाकर बनता है वो चार्ज हमारे पास एक कूलम में होता है। कितने कूलम में? एक कूलम में इतना चार्ज हमारे पास देखा जाता है। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है करंट। करंट क्या होता है? तो करंट रिलेटेड है हमारा चार्ज के साथ। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। नेट चार्ज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को भी हम करंट कह सकते हैं। इसे डिनोट किया जाता है आई के साथ। इसे किसके साथ डिनोट किया जाता है? आई के साथ। इसका एक सिंबल है जो है आई, और इसका जो एसआई यूनिट है वो है क्या? एम्पियर। इसका जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर, और इसे एम्पियर को डिनोट किया जाता है ए के साथ। किसके साथ? ए के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसमें क्या है कि करंट जो होगा इक्वल होगा
चार्ज डिवाइडेड बाय टी से, जहां पे टी क्या है टाइम और क्यू क्या है, क्या है क्यू चार्ज, क्यू चार्ज है। यही तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास किए जा रहे हैं उसे हम कहेंगे करंट। और ये इसे यहीं से हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले चीज पर, जो कि है एम्पियर। एम्पियर जैसे कि मैंने आपको बताया क्या है, एस आई यूनिट ऑफ करंट। करंट का एस आई यूनिट है एम्पियर, करंट का एस आई यूनिट है एम्पियर। इसे डिफाइन किया जाता है एज 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में कहीं से पास करता है उसे हम कहते हैं 1 एम्पियर करंट, उसे हम कहते हैं 1 एम्पियर करंट। इसे हमने यही ये वाले मैथमेटिकल फॉर्मूले से क्या किया है, ड्राइव किया है, जिसमें हम देखेंगे 1A, 1A क्या है, ये किसकी यूनिट है, ये है करंट की यूनिट, ये क्या है करंट की यूनिट। और हमने ये देखी एम्पियर क्या है, करंट की यूनिट है। और 1 कूलम क्या है, 1 कूलम अगर हम देखें तो ये है चार्ज। और 1s यानी कि 1 सेकेंड क्या है, ये है टाइम। और इसी से हमारा होता है ये चीज ड्राइव कि 1 कूलम चार्ज जब 1 सेकेंड पे पास करता है तो उसको हम कहा जाता है 1 एम्पियर करंट। और अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमें एक चीज देखने को मिली है, जो कि है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के उलट हमारे करंट फ्लो करता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज के ओपोजिट, यानी कि नेगेटिव चार्ज के ओपोजिट। इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ऑफ द सेल टू नेगेटिव टर्मिनल। अगर आप देखें, ये हमारे पास है एक बैटरी, ये हमारे पास है एक बैटरी, ये है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये है उसका नेगेटिव टर्मिनल। अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन क्या है, ये है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और हमें पता है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, किधर करते हैं मूव, नेगेटिव टू पॉजिटिव ये मूव करते हैं। और हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के पॉजिटिव, इसीलिए जो करंट होगा वो फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। और वैसे भी ये चीज हमें पहले भी है पता कि वो फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, जब भी हम कोई भी सर्किट बनाते हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हम कनेक्ट करते हैं। अभी हर बार हम ये नहीं देखेंगे कि कितने कूलम और कितने सेकंड में हमारा करंट पास कर जा रहा है, हमें इसे करंट मेजर करने के लिए एक चाहिए था इंस्ट्रूमेंट, और जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है एम मीटर। एम मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसे स्पेशली इसी काम के लिए डिजाइन किया गया है कि वो बताए कि कितने एम्पियर करंट हमारे पास हो रहा है। और ए से एम्पियर और ए से एम मीटर से हम याद कर सकते हैं कि एम मीटर हमारा करंट ही मेजर करता है, जो कि होता है एम्पियर में। ये चीजें आपको याद रखनी है। और इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़े तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट, एक सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये सीरीज जो मैंने आपको बताया है, सीरीज में कनेक्ट किए जाने वाली बात, इसको हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इसे अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और कल मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि सीरीज में क्यों कनेक्ट किया जाता है और सीरीज क्या होता है, सीरीज में इसे क्यों कनेक्ट किया जाता है, सभी के बारे में आपको बताऊँगा। और इसी के साथ हमारे पास जो दूसरी चीज़ है, जो इसकी रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस जो होती है इसकी लो होती है, ये भी आप लिख लीजिए। और आपको आगे जाकर इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि इसकी रेजिस्टेंस लो होती है, लो रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, वैसे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आगे जाके पता चल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट ये होता है क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, एक क्लोज्ड पाथ जिसपे इलेक्ट्रिक करंट चलता रहता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट।
उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी कौन सी होती हैं? सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो है बैटरी। बैटरी जहाँ से करंट निकलेगा, और दूसरी हमारे पास जो चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है वायर्स, जहाँ से करंट फ्लो करेगा। बाकी चीज़ें हम बाद में एडिशनली ऐड करते जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बल्ब हो गया, यहाँ पे एमीटर हो गया, और यहाँ पे एक की यानी कि स्विच हो गई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम अपने वर्ड्स में वोल्टेज भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वोल्टेज। वोल्टेज इसी क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज वर्क डन इन चार्जिंग अ यूनिट इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसे क्या होता है कि ये है, जैसे कि ये है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पे हमारे पास बैटरी है। ये बैटरी से यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, और ये देखिए, ये हमने ले लिए दो पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जब चार्ज फ्लो करता है उसके बीच में जो वर्क डन किया जाता है, उसे हम कहते हैं वोल्टेज और या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। इसका हमारे पास है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसे हम लिखेंगे वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, यहाँ पे हमारे पास वी जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। डब्ल्यू हमारे पास है वर्क डन, क्या है? वर्क डन। और वहीं पे क्यू है नेट चार्ज, एक या कुछ भी कूलम चार्ज को फ्लो करने के लिए जो हमारे पास वर्क डन करना पड़ा उसे हम कहते हैं वोल्टेज। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ पोटेंशियल डिफरेंस की, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की हमें एक चीज़ देखेंगे। ये देखिए, ये है हमारे पास एक बीकर और ये है हमारे पास दूसरा बीकर, यहाँ पे हमारे पास इसमें इतना वाटर है और इसमें इतना वाटर है, और यहाँ से हमने पाइप लगा दी एक तरफ को झुकी हुई, जो कि होगी इस तरफ को झुकी हुई। तो पानी देखिए इधर ज़्यादा है और इधर कम है, यानी कि इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव। हम एक टाइप से ज़ूम करेंगे तो वाटर किधर की तरफ फ्लो करेगा? वाटर उधर फ्लो करेगा जिधर पानी कम होगा। पानी इधर कम है तो वाटर इधर फ्लो करना शुरू हो जाएगा। इसे हम कहते हैं, जो कि इनमें डिफरेंस है वो उसी टाइप से कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि यहाँ बैटरी पे है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो अब हम बात करते हैं वन वोल्ट, जो कि होती है एक ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे कि हम डिनोट करते हैं वी के साथ, उसके बारे में बात करते हैं। वन वोल्ट, व्हेन वन जाउल ऑफ वर्क, जब एक जाउल वर्क इज डन टू कैरी, एक कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जब वन जाउल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी वन कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जब एक जाउल ऑफ वर्क काम किया जाता है, एक कूलम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए, तब उस समय पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वन वोल्ट। इसे हम इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमने इसे ड्राइव किया है। चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। हमारे पास आगे जो है वो है वोल्ट मीटर। जैसे कि हमने करंट को मेज़र किया वैसे ही हमें एक डिवाइस चाहिए था जो कि वोल्ट को मेज़र करे। तो इसके लिए हमारे पास आ गया है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को मेज़र करने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में जो वोल्टेज को मेजर करे उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं वोल्ट मीटर। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल और सीरीज कनेक्शन के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इस समय केवल आप इस चीज़ को लिख लीजिए, और इसके पास जो
रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है। रेजिस्टेंस के बारे हम इसी लेक्चर में आगे जाके पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसे अपने नोट्स में लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं सिंबल्स के बारे में। सिंबल्स के बारे में बात करते हैं फॉर सम कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इन सर्किट डायग्राम। एक डायग्राम बनाते हैं जब एक सर्किट की जब हम डायग्राम बनाते हैं तो कुछ सिंबल्स हमें यूज करने पड़ते हैं, उन सिंबल्स के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। एक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक छोटी और एक लंबी लाइन लगा देते हैं। जो छोटी लाइन होती है उस तरफ होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल और जो बड़ी लाइन होती है उसकी तरफ होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। इसे हम एज अ सेल रिप्रेजेंट करते हैं। और बैटरी के बारे में बात करें तो जब काफ़ी सारे सेल्स मिल जाते हैं तब हम उसे कहते हैं एक बैटरी। और वहीं यहीं पर भी वैसे ही ड्रॉ कर देना है हमने उनको, जैसे बहुत सारे सेल्स ड्रॉ कर देने हैं, छोटी लाइन एक तरफ, बड़ी लाइन एक तरफ और पॉजिटिव टर्मिनल जब बड़ी लाइन और जब छोटी लाइन तब नेगेटिव टर्मिनल। और अब हम बात करते हैं कि स्लैश स्विच जबकि बंद होगी, जब बंद होगी तो अब हम उसे ऐसे ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं, खाली ब्रैकेट और जिसमें वायर नहीं जुड़ रही है उसे ऐसे हम छोड़ देंगे, या फिर हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ, मैंने अपनी 10th क्लास में इसी को यूज़ किया था क्योंकि ये इजी है, एक ही चीज़ याद करो, ज़्यादा चीज़ें याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि लिख के एक बार ही आना है भाई पेपर में, ज़्यादा बार नहीं लिखना है, ठीक है। और उसी के बाद की क्लोज जबकि स्विच क्लोज होगी, यानी कि स्विच चल रही होगी, सर्किट क्लोज्ड होगा, उस समय हम इसी डायग्राम में एक डॉट बना देंगे जिससे क्या होगा कि ये स्विच ओपन से क्लोज हो जाएगी। इसके बाद हम बात करें जॉइंट वायर के बारे में। जॉइंट वायर वो होती हैं जब एक वायर ऐसे सीधी सीधी वायर जा रही है और उससे हमने एक वायर और जोड़नी है, तब हम जहाँ पे वायर जोड़नी है वहाँ पे डॉट लगा के एक जॉइंट साइड पे निकाल देंगे सर्किट डायग्राम में। अगर हम एक दूसरे के ऊपर से वायर निकालनी है बिना उन्हें ज्वाइन किए तो हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये चीज़ें कुछ याद करने वाली हैं। और वहीं अगर हमने बल्ब बनाना होगा तो ये वाला ऐसे करके हमें बल्ब बनाना होगा अपने नोटबुक पे। और एम मीटर आपने क्या करना है, एक लाइन बनानी है उसके बीच में गोला और ए लिख के एक तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बना देना है, यही हो जाएगा हमारा। और वहीं वोल्ट मीटर जो होगा उसमें भी ऐसा ही कुछ करना है, एक लाइन लगानी है उसके बीच में एक गोला बना के बीच उस गोले के बीच में वी लिखकर एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव लिख देना है, उसी से हो जाएगा हमारा वोल्ट मीटर भी तैयार। अब हम चलते हैं आगे। आगे हमारे पास है एक बहुत ही ज़रूरी लॉ, ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। ये हमें दिया था ओम्स भैया ने। उन्होंने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा थ्रू अ कंडक्टर, जब इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर से पास करेगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज। और ये इसके लिए भी एक कंडीशन है कि वहाँ पे टेम्परेचर जो होना है वो कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। इसी के लिए हमारे पास आ गया एक मैथमेटिकल फार्मूला जिसे हम कहते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एक कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं R। यहाँ पे क्या है देखें, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, R क्या है, कांस्टेंट है। और R को यहाँ पे रेजिस्टेंस कहा जाता है, यही है रेजिस्टेंस जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी हम चलते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। एक फ्लो रेजिस्टेंस क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है जो एक फ्लो ऑफ करंट के बीच में अड़चन बनती है, जिसको वो करंट को फ्लो करने से रोकती है। जैसे कि होते हैं ना कुछ लोग जो आपको पढ़ने से रोकते हैं, जो आपकी हॉबीज़ को फॉलो करने पे रोकते हैं, वो आपके काम में रेजिस्टेंस बन के आते हैं, उन्हें कहते हैं, वैसे ही एक रेजिस्टेंस होती है, ये भी ऐसी होती है, ये किसी को दूसरे का काम पूरा नहीं होने देती। ये होते हैं कुछ लोग, ऐसे लोग भी होते हैं हमारी ज़िंदगी में, वो उन्हें हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है आर पे। इलेक्ट्रिसिटी हमारे चैप्टर में यहाँ पे रेजिस्टेंस एक अहम रोल
यूज़ करती है, तो रेजिस्टेंस को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। एसआई यूनिट जो होती है इसकी, रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम। इसको हम सिंबल होता है इसका ये ऐसे, कुछ ऐसे से ये इसका सिंबल होता है ओम। और एक ओम को हम अगर डिफाइन करें, अगर हम डिफाइन करें द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम तभी कही जाएगी जब उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, कितना हो 1 वोल्ट हो, और जब उनके बीच में से करंट जो पास हो रहा है वो 1 एम्पियर हो। 1 एम्पियर ऑफ करंट मस्ट बी पासिंग फ्रॉम इट, तब हम बोलेंगे उसे 1 ओम। क्या बोलेंगे? 1 ओम। बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि रेजिस्टेंस जो होती है वो कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो जो रेजिस्टेंस होती है वो करती है कुछ 3 चीज़ों पे डिपेंड। सबसे पहला, एक लेंथ पे डिपेंड करती है। किस पे? लेंथ पे। लेंथ पे डिपेंड करती है। लेंथ में अगर हम कहें कि जब रेजिस्टेंस होगी वो प्रोपोर्शनल होगी लेंथ से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ से। जब भी लेंथ बढ़ेगी, जब भी लेंथ बढ़ेगी तो उसी के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। और अगर वहीं लेंथ कम होगी, लेंथ ऑफ वायर कम होगी, तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। ये है हमारा पहला फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। और उसी के साथ ये डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर पे। क्रॉस सेक्शन, अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, ये है हमारे पास वायर, ये है हमारे पास वायर। अगर हम वायर को घुमा दें और इसे सामने से देखें तो ये है हमारा एरिया और इसी के पीछे जा रही है वायर। ये जो जगह होगी जिसपे हमें बहुत सारी वायर्स देखने को मिलती हैं, इस सेक्शन को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो एरिया होगा इसे हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, इसे हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, एरिया अगर ज़्यादा होगा तो ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अगर ये एरिया कम होगा तो ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। यानी कि वायर अगर मोटी होगी तो रेजिस्टेंस कम, और अगर वायर पतली होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। यानी कि R is inversely proportional to A। और जो तीसरी चीज़ है वो है नेचर ऑफ मटेरियल, वो है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल को हम बोल देते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ही होती है नेचर ऑफ मटेरियल, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर में। यहाँ पे हमारे पास है कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सबसे पहले हमारे पास R जो है वो प्रोपोर्शनल है लेंथ के, लेंथ ऑफ वायर के। वहीं और दूसरा एक्सप्रेशन जो हमने अभी किया है वो है, वो R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया से। इसी प्रोपोर्शनैलिटी को जोड़ के हमारे पास आ जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय A, लेंथ ऑफ वायर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। और प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए ये है हमारे पास सिंबल, ये है हमारे पास सिंबल रो। क्या है? रो। ये है हमारे पास रो। और ये रो सिंबल किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये होता है रेजिस्टिविटी के लिए। रेजिस्टिविटी अगर हम ऐड कर दें ये होती है कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है एक मटेरियल के लिए, एक स्पेसिफिक मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है। और ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनकर आ जाएगा। ये होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसी एक चीज़ की रेजिस्टेंस का। अभी हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर, एक वायर की एक यूनिट लेंथ में, जैसे कि हम यूनिट लेंथ ले देते हैं 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ के लिए और उसके यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि 1 मीटर लेंथ और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर, उसके बीच में जो हमारे पास रेजिस्टेंस देखने को मिलती है वो होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी में आपको बताऊं तो हर मटेरियल पे वेरी करती है, वेरीज ऑन चेंजिंग मटेरियल। मटेरियल जैसे जैसे चेंज होता है तो रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाती है। जैसे कि हमारे पास ये है, अब हम इसकी यूनिट ड्राइव करते हैं। यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। इसकी क्या होती है? एसआई यूनिट। इसकी क्या होती है? एसआई यूनिट। इसको हम अगर ड्राइव करें तो हमारे पास है ये मैथमेटिकल फार्मूला जिसमें हमने लिखा था कि आर इज इक्वल टू रो लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। इसमें हम देखें तो देखिए,
जी देखिए, हमारे पास सामने हमारे पास है फॉर्मूला। अगर हम यहाँ पे रो का ऐसा यूनिट ड्राइव करें तो रो को हम इधर ले जाएंगे और आर को हम इधर ले आएंगे, तो हमारे पास ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन के तैयार हो जाएगा। आर की हमारे पास यूनिट है जो कि है ओम, और यहीं पे हमारे पास एरिए की जो यूनिट है वो है मीटर स्क्वेयर, और लेंथ की जो यूनिट है वो है मीटर, और मीटर और स्क्वेयर हमारे पास यहाँ पे कट हो जाएगी, तो जो ऐसा यूनिट बचेगी वो होगी ओम मीटर। और इसी के साथ हमारी रेजिस्टिविटी भी ख़त्म हो चुकी है, और रेजिस्टिविटी के साथ साथ हमारी आज की वीडियो भी ख़त्म हो चुकी है। समय आ गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए उनका कॉन्सेप्ट याद करना। सबसे पहले हमारे पास है सभी यूनिट, यूनिट के बारे में जानेंगे। सभी यूनिट जैसे यूनिट को व्हाट इज़ यूनिट, उनको कैसे ड्राइव किया जाता है, यूनिट के बारे में अच्छे से आपने पढ़ लेना है। दूसरी जो चीज़ आपने करनी है वो होगी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हमारा ये सारा चैप्टर अभी बाकी है, जो भी बचा है सेकंड पार्ट में वो सभी कुछ रेजिस्टेंस के बारे में ही आने वाला है हमारे पास। ये है और हमारे पास जो है इनके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे अगली पार्ट में। न्यूमेरिकल्स के बारे में आपने जानना है, थोड़ा सा पढ़ना है। इसके पहले पहले वाले जो टॉपिक्स हो गए उनके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिले वो आपने घर पे करने हैं, और इन नोट्स को दोबारा से पढ़ना है, और जो यूनिट्स और रेजिस्टेंस वाला है टॉपिक उनको एक बार रिपीट करके वापस से ज़रूर देखना है, क्योंकि मैंने कहा है अपने मेंटर यानी कि दोस्त को आपने अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि मुझे पता है कि टेंथ क्लास में कौन सी चीज़ें ज़्यादा आती हैं, मेरे पास भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो इसी से आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी हैं। और अभी समय आ चुका है फाइनली आपसे विदा लेने का, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इससे आपका टाइम बहुत ही अच्छे से यूज़ हुआ है, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है, आपके दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें ही गई है, कोई भी बुरी चीज़ नहीं गई है। और इसी के साथ आप सभी के लिए बाय बाय, और मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में जिसमें हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।